इंदौर की क्या तस्वीरें हैं अखिलेश, क्या बंद का असर नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कांग्रेसी सड़कों पर निकले हैं। हालांकि जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही, लेकिन अपील की जा रही है कि कम से कम बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरकार के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाए और कांग्रेस का समर्थन किया जाए। असर दिख रहा है इंदौर में? असर है वो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि फिलहाल में मैं राजवाड़ा पर मौजूद है, यहाँ की आपकी तस्वीरें दिखाऊंगा जया कि ये राजवाड़ा मेन केंद्र माना जाता है इंदौर का और यहाँ की जो सारे जितने भी दुकानें हैं वो सारी बंद है। पूरे व्यवसाय प्रतिष्ठानों से जो लोग थे उनसे भी जब बात की गई थी तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं पर ये बंद का आह्वान किया था और कांग्रेस ने इसको पहले से तैयारी की थी। कल भी देर रात जो 85 वार्ड है इंदौर के वहाँ पर गए हुए थे और हर एक व्यक्ति से मिलकर जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो मिले थे और उन्होंने बंद का आह्वान किया था और उसके बाद से ही जो लोग थे उन्होंने अपनी जो व्यवसायिक जो दुकानें हैं वो बंद कर रखी है। अभी फिलहाल भी अभी यहाँ जीतू पटवारी है जो पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व मंत्री है यहाँ पर पहुँचे थे और साइकिल पर यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने जो बीजेपी सरकार है उसके खिलाफ हल्ला बोला है क्योंकि जो लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं तो वो उसका सीधा सा असर आम लोगों के ऊपर पड़ रहा है। तो उसी के विरोध में जो कांग्रेस है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है और भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी राजवाड़ा पे भी मौजूद थे जो कि अभी जो अपने बड़े नेताओं के साथ शहर के अलग अलग कॉलोनियों में गए हुए हैं और जो व्यापारी है उनसे बंद करने का आह्वान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर जो इंदौर है इसमें जो कांग्रेस का जो बंद है वो उसका व्यापक असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जया, बिल्कुल व्यापक असर देखने को मिल रहा है क्योंकि महंगाई की मार हर एक वर्ग पर पड़ी है और इसलिए कांग्रेसी इसका विरोध कर रहे हैं और बाकी जो व्यापारी हैं या जो जनता है उनका भी सपोर्ट कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को मिल रहा है। इंदौर की तस्वीर हमने देखी। जबलपुर का रुख करते हैं। अमित सोनी हमारे साथ संवाददाता यहाँ से जुड़ गए हैं। अमित, भोपाल की तस्वीरें देखी, मिला जुला असर नजर आया। इंदौर में भी व्यापक